ऐसा कहीं विद्यालय बनवाइए तो हम आपको बढ़िया चंदा दें। ठीक है, कहीं विद्यालय बनवाइए, विद्यालय क्या, वहाँ हाँ हम विद्यालय बाद बनवाइए, विद्यालय बनवाइएगा तो वहाँ से विद्यालय से आईएएस हाँ पीसीएस सीनियर लड़के पढ़े, इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे, लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे मान लो तो सही है, इंजीनियर आवत है डॉक्टर आवत निकलेंगे। आवत है हाँ। और जब आप मंदिर बनवाएंगे तो पुजारी बनेंगे, ऐसे गली गली भीख मांगेंगे। तो मंदिर बनवाइए, वो क्या नाम है, विद्यालय बनवाइए, ठीक है, बहुत ठीक है। अच्छा और हम तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पुजारी हैं, हम यादव हैं, कहा जाता है कि हम यादव हैं, लेकिन भाई। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। आज इस कुर्सी पर हम बैठे हैं तो ये मंदिर की देन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है, ठीक है तो भाई अपन बढ़िया बात समझ रहे है। हैं। अगर आप बाबा साहब ना होते, संविधान में न लिखे होते कि अहिर भी जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन के बैठे होते नहीं नहीं? बैठे होते ऐसा तो हम किसकी पूजा करें, हम किसकी पूजा मान्यता करें था भाई, बताइए। मान्यता था ये। तो हम अगर आज जौनपुर जिले में जिला पंचायत की हैसियत से यहाँ हम बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और ये देखिए बाबा साहब की मूर्ति ये हमारे दिल के पास हमेशा रहती भाई वो तो सही, है कि नहीं? जात आज से आप, अभी मतलब आपको कुछ हो जाए तो FIR आप कराने जाएंगे तो किसके द्वारा कराएंगे? आप मंदिर जाएंगे कि या थाने नहीं, जाएंगे? थाने जाएंगे तो थाने जाएंगे, वहां जो आपके आपको न्याय मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा? भगवान शंकर के द्वारा मिलेगा या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलेगा? नहीं, वो तो सही है, किसके द्वारा मिलेगा आप जो बताइए? कानून जो संस्था बन चुकी है उसी तो द्वारा कानून होगा। किसके द्वारा बना है आप बताइए, हाँ वही है, कौन है अम्बेडकर ये नगर, अम्बेडकर नगर जो आप बाबा जानते हैं साहब बाबा डॉक्टर अंबेडकर? साहब। तो आपको न्याय किसके द्वारा मिलेगा? आपकी जमीन जमीन कोई कब्जा कर ले तो आप मंदिर में मत्था टेकोगे या जाओगे को न्यायालय में इनके संविधान के नहीं, पास? संविधान के पास जाएगा, तो हमारे लिए भगवान कौन हुआ? वही है। हमारे लिए बाबा साहब हमारे भगवान हुए, ठीक है। इसलिए हम बाबा साहब की मंदिर बनवाइए, बाबा ठीक साहब का विद्यालय बनवाइए, हम आपको कई लाख रुपया देंगे, ठीक है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाए हाँ हाँ सही उसके लिए हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं।